गाइस अपनी गाड़ी कर दी फाइनल हमने। पहले ऐसी होती थी और ये भी अच्छी लग रही है, काफ़ी इंटीरियर भी अच्छा ही है इसका। ये गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू चैनल, माय नेम इज दिव्यान, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई टाइम हो गया अपना 4 बज चुके हैं और अभी फिलहाल जा रहे हैं, एक दो गाड़ियां देखनी है हमने न्यू परचेज करने के लिए, तो वो देखने जा रहे हैं अभी। इस वाली गाड़ी की बात चल रही है, उन्हें सेल करेंगे और ये वाली जगह की सेल्टॉस नहीं वाली है जो चल रहे हैं। पहले हम चलेंगे ब्रेजा देखेंगे, फिर सेल्टॉस देखेंगे, फिर एक एस्टर देखेंगे जो उनसे समझ आएगी, तो उस गाड़ी को आज बुक करनी है किसी भी हाल में गाड़ी। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं, पहले ब्रेजा देखते हैं, बस पहुँचने वाले रास्ते में ही, और फिर उसके बाद देखेंगे हम एस्टर और सेल्टॉस। अगर इसी सेगमेंट में कोई गाड़ी पसंद आती है तो आज बुक कर देंगे फाइनल, और एक दो दिन में डिलीवरी ले लेंगे, बुकिंग ना हुई तो ठीक है। तो आगे बनी रहेगा, लास्ट तक ब्लॉग देखना पूरा। हाँ जी गाइस, पहुंच गए अपना मारुति अरीना, फिर यहाँ पहले चेक करते हैं ब्रेजा और एक और गाड़ी और भी, यहाँ देखते हैं अगर आर्टिका एक्सेल 6 तो नेक्सा मिलेगी, चेक करते हैं। और मेरे को लग रहा है यहाँ पर टेस्ट ड्राइव की गाड़ी भी नहीं मिलेगी अभी, तो चलो चेक करते हैं। तो हाँ जी गाइस, पहुंच गए अपना शोरूम में और अभी बस गाड़ी मंगाई है दिखाने के लिए, ये ब्रेजा मंगाई है, फिर आर्टिका भी देख लेते हैं, आर्टिका भी सही लग रही है, और देखते हैं दोनों गाड़ी में जो पसंद आएगी तो फाइनल करेंगे, नहीं पसंद आएगी दूसरे शोरूम चलेंगे वहाँ पर गाड़ी लेंगे, क्योंकि हमने 1-2 दिन में गाड़ी लेनी है किसी भी हालत में। आवाज़ जा रही काफ़ी शोर हो रहा है, दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर। पहले ऐसी होती थी शोरूम और अब देखो सबका कॉमन कर दिया भाई। पहले हम देख रहे हैं आर्टिका, ये CNG में VXI मॉडल है और ये भी अच्छी लग रही है, काफ़ी इंटीरियर भी अच्छा ही है इसका। इसका टॉप मॉडल ले लेंगे पेट्रोल में, वो भी अच्छा है, पीछे 7 सीटर का सनरूफ ही तो नहीं आएगा, और गाड़ी बढ़िया है, अच्छी लग रही है गाड़ी तो काफ़ी। ये लंबी भी है काफ़ी गाड़ी, इसके टॉप मॉडल पूछो, टॉप मॉडल खड़े, टॉप मॉडल। एक चीज़ और दिखाता हूँ गाड़ी में, CNG लगने के बाद भी ये CNG इसके अंदर आ गई, और आगे 7 सीटर हो गए और फिर भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच रहा है इसमें गाड़ी में, अच्छी लग रही है काफ़ी गाड़ी यार। एक बार इसका टॉप मॉडल और देख लेते हैं और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे तो गाड़ी पे अवेलेबल होनी चाहिए जो हमें चाहिए आर्टिका में टॉप मॉडल, तो आगे चलते हैं एक दो गाड़ी और देखते हैं। चलो ठीक है भैया, ओके चलते हैं, जो अपना चलते हैं यहाँ से दूसरे शोरूम, वहाँ पे देखते हैं कुछ मिल जाए। इधर ब्रेजा तो अच्छी लगी नहीं, आर्टिका पसंद आ रही है, और एक XL6 देख लेते हैं वो मिल जाए तो। तो भाई पहुँच के मारुति सुजुकी अरीना दूसरा शोरूम, यहाँ पे देखते हैं गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, यहाँ पे तो डेमो कार भी खड़ी है, बाकी मैंने 2-3 जगह कॉल किए हैं वहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे मिलती है गाड़ी, मेरे आती ब्रेजा खड़ी है यहाँ पे। चलो तो भाई आ गए यहाँ शोरूम में, और ये कोटेशन आर्टिका की, हमें जो मॉडल चाहिए कहाँ है इसमें है नहीं है, ये रहा हमें जो मॉडल है ये पड़ रहा है 1280 का ZXI, और ZXI मॉडल कहीं पर भी खड़ा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वही ट्राई कर रहे हैं इसे अवेलेबल हो जाए तो। यहाँ पे भी देख ली, यहाँ पे भी आर्टिका तो देखी नहीं, पर अब यहाँ पे ब्रेजा पसंद आ गई है वाइट कलर में, तो वो देखते हैं दो शोरूम में और देखते हैं है? अरे यार उसके पास उस पर खड़े हुए हैं, चलो अभी उस पर राहुल पे, तो अब हमारा मन कर रहा है कि हम ZXI में, ये खड़ा ना, ये तो आपका ब्रेजा में कौन सा ही VXI खड़ा है, तो ZXI टॉप देख लेते हैं ब्रेजा का, अगर वो मिलता है तो वो लेते हैं और चलते हैं घर, वेला बनती होगी बोलते हैं आज।
भाई पहुंच गए दोबारा यहाँ पे ब्रेजर के लिए। लॉक है, लॉक है। दोबारा पहुंच गए ब्रेजर के लिए यहाँ पे, देखते हैं इंक्वायरी करते हैं ब्रेजर मिल जाए तो। तो हमारा प्लान बन रहा है कौन सी ऑटोमेटिक ब्रेजा, वो आ गई चल फिर टेस्ट ड्राइव बिलो। हाँ क्या कह रहा, बढ़िया वो गाइस। अपनी गाड़ी कर दी फाइनल हमने ब्रेजा ZXi मैनुअल में, और अब इसकी पेमेंट कर रहे हैं बस, बुकिंग कराए थे और फिर चलते हैं सीधा घर। दो चार दिन में गाड़ी लेंगे डिलीवरी, चलो चलते हैं घर। अंधेरा हो गया बिल्कुल, मैं निकले थे और शाम हो गई एकदम रात। सब लोग जा रहे हैं यहाँ पे भी, पहले निकल लिए शोरूम से और चल रहे हैं अब सीधा घर। काफ़ी लेट हो गया, टाइम हो गया 6:30 बज चुके हैं। गाड़ी हमने करा दी बुक, बुकिंग अमाउंट दे दिया है और गाड़ी की डिलीवरी ले लेंगे हम नेक्स्ट वीक में 25 जनवरी तक। तो लेट्स गो, चलते हैं अपना। जी गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई रात को काफ़ी लेट हो गए थे, 6-7 बज गए थे आते आते, रात नहीं शाम को। और फिर उसके बाद कहीं पार्टी वगैरह में जाना था, वहाँ पे गए, मैं व्लॉग करना भूल ही गया। तो अभी सुबह उठे हैं, रेडी हुए हैं दोनों और हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल दिल्ली। जाना हमने, एक फंक्शन है उनकी फ्रेंड का एंगेजमेंट का, तो वो अटेंड करते हैं आज। कितना टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं फिलहाल, और चलते हैं दिल्ली। अभी एक आध घंटे का रास्ता है, 45 मिनट का रास्ता है, संडे है, जाम मिलेगा नहीं ज़्यादा। तो चलते हैं अटेंड करते हैं, फिर वापसी में देखते हैं, घूम फिर के घर आएंगे। और शाम को शायद बैडमिंटन खेलने में जाना है आज, तो चलो चलते हैं। एक ही जगह पर खड़े खड़े जाम, मतलब कहीं गाड़ियाँ मतलब मूव ही नहीं कर रही थी दिल्ली में अभी, मतलब सबसे गंदा जाम मेरा। आज संडे है फिर भी, और अभी हमारा दिखा रहा है 17 मिनट का और रास्ता दिखा रहा है, और लगा लो 15-20 मिनट तो एक ही जगह पे हम खड़े रहे, अपने वीडियोस बनवा ली इतने इंस्टाग्राम के लिए। तो चल रहे हैं अभी, 13 मिनट का हो गया रास्ता 17 की जगह। हाँ जी गए, अपना घर आ गए तो कहीं पर भी नहीं गए, और बस फ्री हुए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत कम सब्सक्राइब हो रहे हैं। बाय, गुड नाइट।